दोस्तों टायसन फ्यूरी की मैं आज सैलरी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो जो नहीं जानते टायसन फ्यूरी है कौन है, डब्ल्यूबीसी से क्या रिश्ता है, तो मैं बता दूं कि ब्रोन स्ट्रोमैन का मैच चल रहा था डॉल्फ ज़िगलर के साथ, और उसमें ब्रोन स्ट्रोमैन ने ये किया कि डॉल्फ ज़िगलर को सीधे टायसन फ्यूरी पे देख देख फेंक दिया, क्योंकि टायसन फ्यूरी उन्हें कब से घूरे जा रहे थे। फिर टायसन फ्यूरी बैरिकेड कूद के आए, जितने में सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया, और इनकी फ्यूड के बाद ऐसा हुआ कि जो टायसन फ्यूरी ने ब्रोन स्ट्रोमैन को अपोलोजाइज करने के लिए बोला, और फिर ब्रोन स्ट्रोमैन ने इंसल्ट की, टायसन फ्यूरी ने वापस इंसल्ट की, और इन दोनों का जो झगड़ा है वो बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। तो WWE ने सोचा कि क्यों ना इनको मैं मैच दे दूँ, तो WWE ने इनको क्राउन जुवेल में एक मैच दिया जिसमें टायसन फ्यूरी जीत गए, और फिर ब्रोन स्ट्रोमैन वहाँ पर बुरी तरह हारे थे, मतलब काउंट आउट से हार चुके थे। और आगे बात करूँ तो उस मैच के बाद टायसन फ्यूरी हमें स्मैकडाउन के एक एपिसोड में दिखे, उसके बाद टायसन फ्यूरी बॉक्सिंग कैरियर पर अपना पूरा फोकस कर दिया, WWE में फिर नहीं दिखे। और उनके बॉक्सिंग कैरियर की बात करूँ तो उन्होंने अभी हाल ही में उनको टायसन फ्यूरी ने डियोंटे वाइल्डर को अपने सेकेंड विन में हरा कर ये अपनी मतलब एक उपलब्धि हासिल कर ली, जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट हैवी वेट चैम्पियंस ऑफ ऑल टाइम। तो वो बॉक्सर में अपना काफ़ी नाम कमा रहे हैं, और आने वाले समय में हम उन्हें बड़ा बॉक्सर देखते हुए बनते हुए देखेंगे। और अंडरटेकर ने ये मैच शुरू होने से पहले उनको एक अच्छा एक रिस्पांस दिया था। तो अब सैलरी की बात करूँ तो उनकी जो सैलरी है वो है 11.9 मिलियन यूरोज, और उसको अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो हो जाएंगे 15 मिलियन डॉलर। तो देखो सिर्फ दो अपीयरेंस की इतनी सैलरी है। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बिलीव इन मी।